This program is sponsored by Astro Tools, Harisar Engineering Company, Guru Machine Company and Royal Circle. ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਮਲਟੀ ਸਟਾਰ ਨਾਈਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਯੋਜਨ। ਪਰਵਾਜ਼ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੀਪ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਮਲਟੀ ਸਟਾਰ ਨਾਈਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਰ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਹੀ ਈਸ਼ਾ ਧਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮੀਪ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਵਾਜ਼। ਹਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪਰਵਾਜ਼ 2017 में रजिस्टर हुई। इसको कॉन्सेप्चुलाइज करने में हम लोगों को 3 साल लगे। हमारी कोर टीम, ईशा और अनादि और मैं और हमारे सीवाईएल की सारी टीम, रजत, राहुल, इन सब लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने कॉन्सेप्चुलाइज किया कि हम लोगों को पंजाब के क्षेत्र में और स्पेशली पंजाब से क्यों, क्योंकि कारण यह है कि मेरा किसानों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है और मैं यहाँ पंजाब से अपना अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करता हूँ, बिकॉज़ मेरे घर में काफ़ी फैमिली में काफ़ी लोग पंजाब से हैं। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत सारे इश्यूज हैं, ड्रग्स का मुद्दा पंजाब में बहुत उठा था और फिर यहाँ पे देखा कि यूथ को मिसगाइडेड फील कर रहे हैं, तो उस नीड को फील करते हुए हम लोगों ने सोचा कि एक एनजीओ ऐसा होना चाहिए जो बेसिक जो गोल्स हैं यूथ के प्रति वो कर सके और जो सरकार को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट कर सके अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो इस संगठन का जो गठन किया वो ईशा और अनादि ने शुरुआत की, रजिस्ट्रेशन करा के और हमको जोड़ा, और उसके बाद जोड़ते जोड़ते आज की डेट में हमारी कोर टीम में 15 लोग जुड़ गए हैं और टोटल नेशनल लेवल में देखा जाए तो हमारे टोटल संस्था से सीवाईएल और प्रवास मिला के करीबन 35,000 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और परमानेंट बोर्ड मेम्बर्स की तरह। और हम लोग एक कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी कि कैसे जागरूक किया जाए और कैसे इंडिया की टीयर टू, देखिए कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो दिल्ली, बड़ी सिटी चंडीगढ़ सोच लेंगे, सब बड़े बड़े शहरों में सुधार की बातें करते हैं, छोटे शहरों को निगलेक्ट कर दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बारे में बात नहीं किया जाता। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इंसान नहीं है और वहाँ पर लोग नहीं है, वहाँ पर लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लोग मदद नहीं करना चाहते, उनको इग्नोर किया जाता है। और इस इग्नोर करने का कारण यह है कि वहाँ पर उस शहर के अंदर जागरूकता नहीं है, और उस जागरूकता को हम बढ़ाने के लिए परवाज़ की आवाज़ लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग इस संस्था को एक मार्गदर्शन की तरह देखते हैं जो हर युवा को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को मौका देगी कि अपने क्षेत्र में कुछ करके सक्षम हो सके। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा ये था कि हम ओपनिंग डेट जो हमारा इवेंट हो रहा है उसकी सूचना देना चाहते हैं। 22 दिसंबर 2018 को हम मल्टी स्टारर इवेंट, हिंदी और पंजाबी सिंगर्स बॉलीवुड के और पंजाब के, उनको बुलाकर और प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस और एम्बेसी के लोगों को बुला के 25,000 लोगों को, युवाओं को अपील करना चाहते हैं कि आप आइए, जुड़िए हमारे साथ, जुड़िए और एक आवाज़ में प्रवास का नाम लीजिए। दिस इज़ ईशा धवन फ्रॉम प्रवाज़ एनजीओ। हमारा ये जो इवेंट है इसको हमने फंड रेजिंग के लिए इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कि हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। पांच प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम अभी आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहला प्रोजेक्ट है हमारे पास नवरक्षा, इसका है ग्रीन प्रोटेक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी लुधियाना है उसमें पॉल्यूशन ना हो, उसके हमने एडवांटेजेस के लिए जितने भी हमारे यहाँ पे पुल हैं या जो भी सड़कें हैं जहाँ पे हम दीवारें देखते हैं जो खाली हैं, उनको हम पूरा टोटली ग्रीन करना चाहते हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो। और एक और हमारा प्रोजेक्ट है रोटी कपड़ा मकान, जिसमें हम लोगों को जो सड़कों पे इधर उधर हैं, जिनके पास घर नहीं है या फिर खाने को नहीं है,
काम नहीं है, हम उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं ताकि वो एक कम बजट में अपना काम भी खड़े हों, अपने पैरों पे खुद खड़े हों। और हमारा जो मोटिव है इस एनजीओ को चलाने का, वो मेन यही है कि हम लोगों को डोनेट नहीं करना चाहते, हम उनके पैरों पर उनको खड़ा करना चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो। थैंक यू। लुधियाना तो गुरमीत निजर की रिपोर्ट, कैमरामैन सरबजीत पनेसर के नाल, फॉक्स डॉट पंजाबी, योर सिटी योर न्यूज़।